मजे तो बहुत हो गए ना। अपने से सीएनजी डलवाते हैं नसीक में, अब्बू जी परेशान खड़े हैं कि अब सीएनजी कितने की डलेगी, पर चल कोई जल्दी सीएनजी इसकी फुल कराते हैं, फिर निकलते हैं घर की तरफ। सीएनजी स्टेशन में कह रहे हैं मेरी भी वीडियो बना, मुझे भी फेमस होना, मगर तू बैर रामिल तू बड़ा फेमस होना बैर रामिल तू। तो अभी चलते हैं जरा नमाज की तरफ। नमाज से पहले हम आपको दिखाते हैं कि अजूबा जो मेरी ग्लासेस लेके भाग गया, ये नहीं मान रहा, ये देख ले इसकी ग्लासेस की हालत, जैसे कि 150 रुपये की ली हो। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, खैरियत से हैं, ठीक हो ना? मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई यासीन खटक, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खटक बैठक। और इसके साथ वेलकम बैक हो गया एक और व्लॉग में, एक और नए दिन में। सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने जीने के लिए एक और दिन दे दिया है, माँ के हाथ का बना हुआ नाश्ता दे दिया है। और तो फिर रोड पे शदीद वाली गर्मी बिताई गई है, और ये सब लोग ठंडा पानी पी के गर्मी को दूर कर रहे हैं। शदीद गर्मी की वजह से आज फिर रोडों पे ऐसा सन्नाटा है जैसे कि पाकिस्तान में कर्फ्यू लग गया हो। अरे कहना क्या चाहते हो, पाकिस्तान में रहम फरमाए, गर्मी सही वाली तेज है और गर्म गर्म हवाएं चल रही है। और चलते हैं साथ साथ अपने दुकान की तरफ, देखते हैं क्या सूरत हाल है। अब आज तो मैं फिर हमेशा की तरह हो गया लेट, और आगे हमारे पाकिस्तान के सस्ते इंजीनियरों का वोट करनामा ये देखें। मैं अल्लाह को हिदायत दे, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जरा करते हैं मोबाइल नीचे क्योंकि आगे मामू लोग खड़े हैं, नहीं कि आर्मी। इसके साथ में पहुंच गया अपनी दुकान पे, दुकान पे पहुंचते साथ ही अब्बू जी ने मारी किक मोटरसाइकिल को और निकल पड़े। हालांकि गर्मी बहुत तेज है, और अब्बू जी ग्रेट है, अब्बू जी कहते जो मर्जी हो जाए, मैं तो बाहर जाने जाने। अब्बू जी निकल पड़े और मुझे छोड़ दी दुकान पे, भी करते हैं अपने काम का शुरू, और शुरू करते हैं अपना दिन एक दफा फिर अल्लाह पाक के नाम से, और दुरूद इब्राहिम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और इसके साथ हमेशा शुक्र अदा किया कर अल्लाह की ज़ात का, अगर सुबह उठे एक नया दिन मिल जाता है, और साथ माँ के हाथ का बना हुआ नाश्ता मिल जाता है। और सबसे जो खुशी की बात होती है कि माँ बाप का मुस्कुराता हुआ चेहरा और माँ बाप के हाथ का बना हुआ नाश्ता मिल जाता है, तो इस पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया करें। और इसके साथ शुरू करते हैं हम अपने आज के काम काज, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज तो मैं लेट हो गया, और ये देख लें सुबह सुबह से ही गंद मचा हुआ है, सफाई थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी आज, पर कोई नहीं, खैर है अपने कारोबार अलग लाख लाख शुक्र है। तो शुरू करते हैं अपने काम और छोटी मोटी सफाइयाँ, फिर थोड़ी देर में लगाएंगे आपके साथ गपशप। और होता देखो क्या हो रहा है, गर्मी भी तेज़ है, लगकर रहमत की बारिश आ जाए, हालात ख़राब है सख्त वाले, और करते शुरू काम। और नो मोर गपशप, तो शुगल में ना ख़त्म, तो लेट्स स्टार्ट द काम। ऐसे तो नहीं होता है, तो गर्मी देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि सूरज नीचे चौक में आए, चौक में यानी कि वेस्ट में आए। गर्मी इतनी तेज है, धूप इतनी तेज है, हवा चलने कोई नाम ही नहीं ले रही, लगता है कि ज्यादा हमसे सख्त वाली नाराज है। तो सब मिलके माफी मांगो अल्लाह से, अल्लाह को राजी करो ताकि मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाए, नहीं तो गर्मी से हालात बुरे होने वाले। ऐसा उससे कोई पड़क पड़े तो पड़कने से बेहतर है, अल्लाह को राजी करो, गर्मी के हालात बहुत सख्त खराब हैं। तो हमारे वेस्टेज वाले इतने नेक हैं ना, नून हटा के बंदा बता नहीं सकता। आते चेंज देना, बोलो चेंज नहीं है, तो फिर कहते हैं अच्छा 10 रुपये की बबल दे रहे, जब 10 रुपये की बबल देते हैं तो फिर निकाल लेते हैं 1000 का नोट। 1000 का नोट तो ऐसे निकाल के देते हैं कि जैसे ये बैंक में मैनेजर हो, पता लगे घर में इनको 10 रुपये देने से पहले 3 दफ़ा गालियाँ पड़ती हैं। चलो खैर बात की बात है, तो फिर जब इनको कहते हैं कि चेंज दो, तो ये है गेम खेल जाती है, कहते हैं कि यार चेंज नहीं है तो आप 1000 रुपये में काट लें, तो फिर इसके साथ मजबूरी हो जाती है उनसे लेना। अगर ना लिए तो फिर वैसे के लोग बहुत ज़्यादा मेरे खैर को हटा के मजबूरी है, नहीं तो फिर पैसे गए। तो लिहाजा बेहतरी इसी में के मौके पर चौका मारना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए, हमेशा नो बॉल को चौका मार दिया करो, वेट ना दिया करो, और टाइम पर पैसे लेने में बेहतरी होती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे धूप कम होने का नाम नहीं ले रही, और ना ही कोई आवाज़ चल रही है, लगता लग जा सख्त नाराज। अल्लाह पाक रहम फरमाए सब पे ताकि बारिश बरसे, अल्लाह पाक रहमत की बारिश बरसाए ताकि सब भाइयों के लिए आसानी हो जाए। ज़रा नमाज की तरफ, नमाज से पहले हम आपको दिखाते हैं कि अजूबा जो मेरी ग्लासेस लेके भाग गया, अब ये नहीं मान रहा, ये देख ले इसकी ग्लासेस की हालत, जैसे कि 150 रुपये की ली हो। स्टाइल चेक करें, ग्लासेस दिखाएं अपनी उतार के, ये चेक करें, ये भाई की इंपॉर्टेंट ग्लासेस है, ये देखें ये
अब आ गई असल रूप में। ये बड़े बड़े शहजादे भाई ये रोज मच्छे से लोटे और जूते उठा के ले जाते हैं, और क्या बोले इसको, कौन अल्लाह हिदायत दे से बस। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज कराओ अपना। तो ये है हमारे अस्लान भाई, अस्लान भाई हमारी क्लासेस लेके भाग गए, और उनकी बीवी जो है इसरार वो भी हमारे यहाँ से तस्बीह लेके भाग गई, साथ में सुहाग भी। तो अभी चलते हैं जरा मस्जिद की तरफ, नमाज पढ़ते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको हबशियन दर्जन बच्चे दे ताकि ये अपनी हरकतें छोड़ दें। ये देखें ना ऐसे लोकल अमिताभ बच्चन, ये देख ले लो इम्पोर्टेड ग्लासेस जो 150 रुपये की से बिठाने से ली है लेडीज से। सात बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को सम। तो हमेशा की तरह आज फिर रोटी के इंतजार में सुबह से बैठे हुए हैं। छोटा भाई रोटी देने गया है तो कोई घंटा डेढ़ हो गया। मैं कि गर्मी सख्त है, इस गर्मी में बैठने से बेहतर है कि पिए हम एक और नया शरबत आया हुआ है, चलो इस शरबत को इंजॉय करते। जब तक खाना नहीं आता तब तक हम पीते ये शरबत, इसके बाद होती है गपशप, खाना हो गया लेट। समझ रहे हो? समझ रहे हो? एक तो कल रात से नेट वालों ने दिमाग खराब किया हुआ है, इतनी बिजली नहीं जाती जितने नेट के सिग्नल जा रहे हैं, बार बार नेट के सिग्नल ऑफ, बार बार नेट के सिग्नल ऑफ। तो सुबह सुबह उनको कंप्लेन किया, अभी वो आ गए हैं घर के बाहर, जाके जरा कराते हैं नेट का राउटर चेंज। राउटर का मसला है और साथ ही का नेटवर्क का भी मसला है, तो करते हैं जरा। चलते हैं जरा घर की तरफ, आज सुबह से नेट ने बड़ा तंग किया हुआ, नेट काम नहीं कर रहा। मैं तो आ गया था दुकान में, बड़ा छोटा कहता कि नहीं नेट नहीं ठीक हुआ, तो भी कंप्लेन किया उनके हेड ऑफिस में। उनके हेड ऑफिस से टीम आई भी है नेट चेक करने के लिए, अभी देखते हैं कि कोई राउटर शोटर का नया कट्टा ना खोल ले, क्योंकि ये भी लोग तो वावडा की तरह नेक लोग हैं, अपने आप को बचाने के लिए दूसरे का बेड़ा गर्क कर देते हैं। और इसके साथ साथ एक और फटीक पड़ गई थी कि देखो इधर मैं गाड़ी सर्विस स्टेशन में खड़ी कराया सर्विस के लिए, मैं चलो गाड़ी के थोड़ी ट्राई मारते हैं, काफ़ी अर्सा हो गया गाड़ी की ट्राई नहीं मारी। तो जैसे नेट वाले टपक पड़े, ये भी है मेरे मुँह से कुछ सुनते हैं, उनको भी आराम नहीं आता। हराम तो अपने से तो बाज नहीं आते, पाकिस्तानी आवाम है ना अपने हरकतों से मजबूर है बेचारे। तो चलते हैं नेट वाले के पास, पहले इसी क्लास लगाता हूँ, ऐसे कराता हूँ नेट का काम ओके सर। तो उसके बाद निकलता हूँ ज़रा सीधा, गाड़ी निकालनी है, गाड़ी का सर्विस कराने के लिए खड़ी की हुई है सर्विस से, वहाँ में मारते हैं गाड़ी की ट्राई। बहुत अच्छा हो गया गाड़ी नहीं चलाई तो गाड़ी क्योंकि मेरे मुश्किल से गाड़ी मिली है, गाड़ी नहीं मिल गई, गाड़ी मिल गई तो नया खत्म हो गया। तो जल्दी से जल्दी गाड़ी पहले ये खट्टा मुका लें। शुक्र है आज अबू जी ने हल्का गाड़ी दे दी, और गाड़ी दी भी उस रोड पे जिस रोड पे इंसानों से ज़्यादा डंपर चलते हैं, ये वो ख़तरनाक रोड है जिसमें 24 घंटे मौत आपके सर पे लड़करा रही होती है। इस रोड से बेहतर है कि बंदा मौत के खूह में मोटरसाइकिल चला ले, बस इस रोड पे गाड़ी बिल्कुल ना चले। और अबू जी को देखेंगे अबू जी डैशबोर्ड का कपड़ा ठीक करें, कपड़ा थोड़ा सा ख़राब हो गया तो मैं करता हूँ मोबाइल नीचे, क्योंकि इस रोड में पीछे डंपर ऐसे बाँ भाग कर रहा है जैसे मैं डंपर वाले के पैसे लेके भाग रहा हूँ, बिल्कुल मेरे सर पर चटा हुआ। और ये वो रोड है जिस रोड पर मौत, ये वो रोड है जिस रोड पे इंसान से ज़्यादा मौत चलती है, बहुत खतरनाक रोड है, IGP रोड है। इससे बेहतर कि बंदा मौत के खूह में मुड़ सके चले, बंदा चले। इस डंपर वाले को देखे ना, अभी इससे बाल बाल में बची हुई बगैर के बचे, अभी मेरे ऊपर चढ़ने लगा था, पर अगर अल्लाह ताला ने मुझे ना बचाता एक कुछ सेकंड से अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। यहाँ पर ये बस वाले डंपर वाले देखते नहीं, ऐसे हरन मार देते, ऐसे पास से ओवरटेक मार रहे होते हैं जैसे कोई इनके लेके भाग रहा हो। तो करते हैं मोबाइल नीचे और अबू से गपशप करते हैं ज़रा, बोतल नहीं है गाड़ी के, अब साथ साथ थोड़ी सी करते हैं इसमें CNG फुल। अब मुझे परेशान खड़े हैं कितने की फुल करनी है, पर अब्बा जी ग्रेट अब्बा जी सजाते हैं, अब्बा जिन चीज़ों को नहीं नोट करते वो जस्ट कहते हैं कि बच्चे खुश रहे। और अभी से हम करने जरा उसको हौसला टैंकी कर रहे हैं फुल, और पेट्रोल पंप वाला CNG पंप वाला मुझे ऐसे परेशान होकर देख रहा जैसे कि पहली दफ़ा उसको कोई यहाँ पे आ गया हो गाड़ी में गैस बनाने में। बार रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, काफ़ी लंबे ड्राइव करने के बाद गोलम और रश में फंस गए। रश में फंसने के बाद गाड़ी हो गई इतनी गर्म कि बिल्कुल ये देखिए एकदम प्रेशर मार रही है। तो इसको थोड़ा सा करते हैं ठंडा ठंडा, थोड़ा इसको टेम्परेचर करते हैं लो, फिर जरा देखते हैं। इस टाइम शावर रोड पे खड़े हैं मजबूरन, गोलम मोड़ बहुत बेनतहाज ज़्यादा रश है, पता नहीं असल में रश की मेन वजह जो है वो अंडर पास है, पर यह शुक्र है कि इन फ्यूचर ये बहुत आसानी हो जाएगी। और इस टाइम खड़े हैं पेशावर रोड पर, चलो जल्दी से इसका ये कराते हैं टेम्परेचर थोड़ा सा लो, तो फिर निकलते हैं घर की तरफ। ये अबू जी लगे हुए हैं इसका टेम्परेचर लो करने में, मुझे तो नहीं आता। मैंने बोला अबू जी मेरे पास दी गल नहीं, तुम करो, तो मन दस मैं किस तरह करना है इन फ्यूचर, तो वो भी वो बता रहे हैं। मैं पहुंच गया वापस अपनी दुकान पे, तो आते साथ ही मेरा पहला काम होता है कप ऑफ टी, यानी कि देते हैं चाय का आर्डर। पेशेंट पसीने तो अच्छे भले बह रहे हैं,
चाय में मेरी तरफ से कोई कंप्रोमाइज नहीं है, तो अभी करते हैं चाय कप का ऑर्डर देते हैं और मार्केट में अच्छा भला अंधेरा हो गया क्योंकि मैं अच्छा भला लेट हो गया। जैसे ही मैं दुकान पर वापस पहुंचा, मैंने चाय का नाम लिया तो चाय के नाम के साथ वापडा वाला कोई याद आ गया कि पाकिस्तान में तो बिजली भी बंद करनी है। वो वाहिद दुनिया का इदारा है, पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो टाइम का बहुत ज़्यादा पाबंद है। इतना पाबंद है कि एक सेकंड लेट बिजली नहीं बंद करेंगे पर लेट आ लाएंगे जरूर, यानी कि बटन बंद करने में देरी नहीं करेंगे, बटन ऑन करने में बहुत ज़्यादा देरी करेंगे। मैं क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज कर। अब अल्लाह इनको हदायत दे, गर्मी में पीते हैं कप चाय क्योंकि चाय आ गई। अब चाय लेट नहीं कर सकते तो पहले चाय पी लें, तो फिर देखते हैं क्या सूरत हाल है। थोड़ी देर तक जिम भी जाना है और सख्त पसीने भी आ रहे हैं। और एक और बात याद है कि आज तो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा चलाई है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाने को दी है। अबू जी भी साथ थे तो वह भी गाड़ी रश में फंस गई थी, तो बहुत ज़्यादा गर्म भी हो गई थी और रश के से एक्सीडेंट से भी बचा, पर अल्लाह का शुक्र है कि खैरियत से दुकान में पहुँच गई। तो इसके साथ साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह चाय पी ली है, अब टाइम हो गया जिम जाने का। निकलते हैं ज़रा जिम की तैयारी करते हैं क्योंकि हमजा भाई आने वाले हैं। पसीने तो अच्छे भले बह रहे हैं पर क्या करें, चाय के बिना हमारा गुजारा नहीं है, तो चाय ना पिए तो सुकून नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं गर्मी में चाय पीने से ये होता वो होता, कुछ भी नहीं होता, चाय पिए करो ताकि दिमाग फ्रेश रहे। तो चाय की हमारी होगी ब्रेक ख़त्म, अब करते हैं ज़रा चेंज, निकलते ज़रा करते हैं जिम की तैयारी। हमजा भाई पहुंचने वाले हैं तो मिलते हैं जरा जिम में, वो भी अबूबकर के नए फन और नए ड्रामों के साथ, क्योंकि अबूबकर ने कल फिर गोली कराई थी तो आज उम्मीद है कि वो आएगा। तब तक तो मैं चेंज कर लेता हूँ, हमजा भाई आने वाले हैं तो निकलते हैं जरा जिम, मिलेंगे जिम। तो इसके साथ साथ मैं पहुंच गया अपने जिम और जिम आते साथ ही तो पसीना छबला चढ़ा हुआ है। देखते हैं कि अंदर बकर भाई आए या फिर गोली है। वैसे अनान भाई की कॉल आई थी कि मैं जिम जा रहा, तो तुम लोग भी आ जाओ, अभी देखते हैं कौन आया कौन नहीं आया। ये जिम और हम इस टाइम आ गए जिम के सेकंड फ्लोर पे। आज तो थोड़ा सा रश कम है और हमजा भाई भी आ गए हैं, हनान भाई भी आ गए हैं और अबू बकर भाई यार डेढ़ हफ्ते बाद आए हैं, फिर कहते हैं चेस्ट लटक गई है तो वो लगाने लगे हैं ज़रा चेस्ट की गेम। तो हम शुरू करते हैं ज़रा अपने भाई साहब की गेम, तो चलो गेम शुरू करते हैं, साथ साथ गपशप भी करते हैं, साथ साथ शेयर करते हैं आज से आज के अबू बकर भाई के ड्रामे। इस टाइम मैं खड़ा हूँ अपने जिम के छत पे, टेरेस पे, फोर्थ फ्लोर पे। यकीन जाने की बहुत शानदार व्यू है, पर आज व्यू देखने के काबिल अपना माथा नहीं है क्योंकि सख्त गर्मी की वजह से चक्कर आ रहे हैं, शदीद वाले चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सर में पेन है। यकीन जाने की तबीयत ख़राब हो गई, गेम भी पूरी नहीं लगी, टोटल एक से दो सेट लगाए और गेम लगा के बाहर आ गया। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस टाइम खड़े हैं अपने जिम की छत पे, इसका बाहर का व्यू देखें, इससे पहले कि कोई बेहोशी वाला आलम हो जाए तो निकलते हैं घर की तरफ और क्लोज करते हैं अपना व्लॉग, यानी कि ख़त्म करते हैं व्लॉग। मिलेंगे कल एक और नए दिन, एक और नए व्लॉग और नए फन के साथ।